इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप बिग बॉस सीजन 3 देख रहे हो इतना दिन से, तो पहले क्या हुआ था। बिग बॉस OTT 3 पर हमने देखा है आदनान शेख आया है, काफ़ी अच्छा गेम प्ले किया है, लेकिन उसका बाद उनको बाहर कर दिया। तो चलिए ठीक है, हम कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं कि उनका जो व्यवहार थोड़ा लोगों को गलत लगा। तो उसके बाद शिवानी कुमारी और दूसरा जो अभी फ़िलहाल हम सुन पा रहे हैं, इन दोनों को बाहर कर दिया। तो शिवानी का स्टेटमेंट आप पहले सुन लीजिए, अगर इस तरह से बिग बॉस पर चलेगा तो बिग बॉस से लोगों का भरोसा ही उड़ जाएगा, बिग बॉस देखना लोग बंद कर देगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। देखिएगा, इस एक गांव का जो लड़की हो अच्छी तरह से खेल रहा है, लेकिन उनको भी बाहर कर दिया है, ठीक है। ये काफ़ी बुरा लगा है हम लोगों को, क्योंकि जितना सारा फ्रेंड है उनको भी बुरा लगा है कि ये अच्छा टास्क अच्छा खेल रहा है, अच्छा कुछ सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ विशाल पांडे भी बाहर हुआ है बिग बॉस से। और यहाँ पे आपको मैं पहले वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि शिवानी कुमारी जो बाहर आने के बाद जो स्टेटमेंट दिया है कि बिग बॉस का अंदर अलग ही कुछ किस्सा चल रहा है, तो आप पहले वो सुन लीजिए। थैंक यू आप लोगों ने, तो प्यार सपोर्ट करो, अंदर अंदर बहुत अलग गेम है। तो वो आप लोगों का हम पूरा बताएं, अब यार हम बिग बॉस के घर से निकल के आए, इतना सर दर्द हो रहा है, ऐसी घबराहट सी हो रही। 35 दिन बाद आप लोगों के सामने ब्लॉग बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें बताएं बिग बॉस में, काका हो तो काका दिखाओ, जा तो काका नहीं दिखाओगे। फ्रेंड अभी अभी हमें पता चलो, अभी साल भाई भी बाहर निकल आए हैं, हमारे आने के बाद 2 घंटा बाद उन्होंने निकाल दोगे है, अब गेम में बचो ही का, इतनो गंदो गेम ही खेल रहे हैं। हम भी निकल आए, विशाल भाई भी निकल आए, लव कटारिया समा मकबूल यही लोग मेरी टीम के बचे हैं, जो लोग हम लोग बैठे थे ग्रुप में, इतनो बढ़िया कर रहे थे, इतनी साजिश रची जाता है, जितनो अच्छो ग्रुप था उसमें इतनी दरार डालवे कोशिश करी लोगों ने, इतनी अरमान भैया तो इतनो माइंड वॉश करा सबको, अपने आप को बहुत अच्छो समझ रहे हैं अंदर की, हम बहुत अच्छो कर रहे हैं, बहुत अच्छो जो अभी अच्छो कर रहे हो ना। और पता सब लोग हमें क्या बोल रहे थे, अरे शिवानी बदतमीजी से बात करती, बताओ कब हुआ आप लोगों का हमने बदतमीजी से बात करी, आप लोग तो 4 साल से ब्लॉग देख रहे हैं मेरे, यही आवाज की वजह से हम बिग बॉस के घर में गए थे, उन पर 16 लोग आए थे, आधे लोग तो यही बोल रहे थे अरे इसकी आवाज चुभती है कानों में, ये बोल नहीं पाती है, रवि किशन भैया आए वो भी हमको बोल रहे कि अरे शिवानी धीमे बोला करो, तुम आवाज बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलती हो, तुम उड़ता तीर लेती हो, हमारी आवाज कम कर दी उन पर, हम बहुत अच्छा बोल रहे थे शुरू में, फिर हमें कहीं ना कहीं सब टोकन लगे, तो हमें लगो कि शायद हम चिल्ला के बोल रहे या बहुत तेज बोल रहे, हमें नहीं बोलवो चाहिए, ऐसे उल्टो सीधो गेम अंदर चल रहा हो तो तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाए। अंदर की स्थिति और बाहर की स्थिति बिल्कुल अपोजिट है, अंदर सब मेरे खिलाफ थे और बाहर सब मुझे प्यार कर रहे, अगर ये हमें बिल्कुल भी इतना सो भी पता चल जाता ना कि बाहर हमारे लिए सब बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन उस ग्रुप को तोड़ने के पीछे इतनी साजिश करी गई, इतने प्लान बनाए गए, ऐसे ऐसे टास्क बनाए गए कि इनके बीच में दरार पर जाए, तो आए दिन हमारा मूड खराब रहो, तो उधर अंदर से बहुत सारी चीजें निकल रही, बस आप सबर करो, सब चीजें बताइए। तो आपने सुना जो स्टेटमेंट दिया है शिवानी कुमारी ने, तो ये हम जब बिग बॉस देखते हैं तो वो अलग नज़रिया से देखते हैं, लेकिन अंदर कुछ अलग ही चल रहा है। इस वीडियो में आपको राय चाहूँगा कि यह लड़की 100% जीतने वाला है, हालांकि नंबर 3 पर तक आ सकता है, तो उसको बाहर कर दिया गया, ये हम लोगों को बहुत बुरा लगा है, दिल से बुरा लगा है। तो आपका क्या राय है नीचे कमेंट कर दीजिए, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।